नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली की परीक्षा ले ली गई और इस परीक्षा के आंसर की भी बीते दिन जारी कर दिए गए। वहीं आपको बता दें कि इस आंसर की में कई आंसर में बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ आज बीपीएससी के आयोग की तरफ से उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए जा सकते हैं। जहां एक तरफ बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी लगातार इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं आज उनका इंतजार जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट जारी करने से पहले फाइनल आंसर की जारी कर दिए गए हैं। कई प्रश्नों के उत्तर जो है वो बदले गए हैं। मंगलवार को आज रिजल्ट जारी करने की संभावना है, जहां सोमवार को देर रात तक रिजल्ट तैयार करने का काम चल रहा था। सभी चयनित उम्मीदवारों को सीधा जिला आवंटन किया जाएगा। आयोग की ओर से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के साथ साथ जीएस पेपर का आंसर की जारी किया गया है। फाइनल आंसर की में कई विषयों में कुछ के उत्तर में बदलाव किए गए, तो वहीं कुछ विषयों में प्रश्न भी हटा दिए गए। सबसे अधिक उच्च माध्यमिक में अकाउंटेंसी में 16 प्रश्न के उत्तर बदले गए। वहीं कंप्यूटर साइंस में 6 प्रश्नों के उत्तर बदले गए, जबकि एक प्रश्न ग्रुप ए के 84, ग्रुप बी का 104, ग्रुप सी का 94, ग्रुप सी का 54 और ग्रुप डी का 74 नंबर हटा दिया गया। केमिस्ट्री में दो का उत्तर बदला गया और एक प्रश्न ग्रुप ए का 120, ग्रुप बी का 60, ग्रुप सी का 80 और ग्रुप डी का 100 नंबर हटा दिया गया। बीपीएससी ने 26 अगस्त को होने वाली पहली पाली में 9वीं से 10वीं के लिए परीक्षा ली। इसमें हिंदी के एक प्रश्न ग्रुप ए का 74वां, ग्रुप बी का 99, ग्रुप सी का 47 और ग्रुप डी का 59 नंबर को हटा दिया गया। अंग्रेजी और विज्ञान के एक एक प्रश्न का उत्तर भी बदला गया। सामाजिक विज्ञान के 5 प्रश्नों के उत्तर बदले गए। इनमें इतिहास का एक वो राजनीतिक विज्ञान के 4 प्रश्न शामिल थे। पीएएसी की ओर से फाइनल उत्तर जारी कर दी गई। अभ्यर्थियों की ओर से जो आपत्ति प्राप्त हुई थी, उस आपत्ति पर विषयों के विशेषज्ञों की ओर से दिखाकर बदलाव किए गए। कई विषयों के उत्तर में बदलाव किए गए, वहीं कुछ प्रश्नों को हटा दिया गया। 24 अगस्त को सामान्य अध्ययन की परीक्षा हुई थी पहली पाली और 6 में दूसरी पाली में 3 प्रश्नों के आंसर बदले गए। वहीं कई छात्रों के फाइनल आंसर की पर ही उन्होंने सवाल उठा दिया है। जहां एक तरफ बीपीएससी आयोग की तरफ से आंसर की जारी करने के बाद कई प्रश्नों को हटा दिया गया, कई प्रश्नों के उत्तर में बदलाव किए गए, तो वहीं कुछ अभ्यर्थी लगातार आंसर की को लेकर सवाल कर रहे हैं। वहीं आयोग की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है कि आज यानी कि मंगलवार के दिन बीपीएससी के द्वारा उच्च माध्यमिक के जो रिजल्ट है वो जारी कर दिए जा सकते हैं। देखना होगा कि बीपीएससी आयोग की तरफ से रिजल्ट जारी किए जाते या नहीं। फिलहाल आंसर की जारी कर दिए गए हैं और कुछ कुछ आंसर की में भी बदलाव किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज फॉर्मेशन।